तो देखो, देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो सीएम पंक वाला सीन है ना अपने सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट का, ये अब सर्वाइवर सीरीज में जाके खत्म होगा। बिकॉज रिसेंट टाइम में जो WWE की हरकतें, उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग सही में सीएम पंक के कमबैक का वेट कर रहे हैं। बाय द वे, रिसेंटली रिकीशी ने एक ऐसी चीज पोस्ट की अपनी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, जिससे फैंस के बिलीव है कि शायद एक मैसेज भेजने का ट्राई कर रहे हैं रोमन रेंस को। और भी कुछ अपडेट्स में जानने के लिए मिलेंगे इस वाले वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट, फैंस का ऐसा बिलीव है फॉर श्योर कि सीएम पंक यहाँ वापस आएंगे। अब WWE खुद रिसेंट टाइम में ऐसी हरकत करी जिसे देख के ऐसा लग रहा है वो क्या उन्होंने किया, उसके बारे में बात करेंगे। और भी काफी सारी अपडेट्स में इस वाले वीडियो में जानने के लिए मिलने वाली हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, वीडियो को शुरू में जेट कारगिल के साथ करने वाला हूँ। और जेट, अगर तुम देख रहे हो रिसेंट टाइम में, अभी तक ऐसे उनका एक प्रॉपर डेब्यू मैच नहीं हुआ है, लेकिन वो लगातार तीनों ब्रांड्स में अपीयर हो रही है। वो अलग अलग जगह पे अपीयर हो रही है, वो रॉ में अपीयर हो रही है, स्मैकडाउन में हो रही है, फास्ट लेन प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर आई थी, NXT में रिसेंटली भी आई थी, और उससे पहले वाले शो में भी आई थी। तो भाई WWE एक्चुअल में करना क्या चाह रही है? आई मीन, क्या जेड तीनों ब्रांड्स के ऊपर कंपीट करने वाले, या फिर WWE उनको काफी जल्दी एक ब्रांड असाइन करती हुई नजर आएगी? तो देखो, बताया जाए जो रिसेंट टाइम में अपडेट है कि फॉर श्योर जेड कारगिल का एक पर्टिकुलर ब्रांड होने वाला है, जो कि रॉ स्मैकडाउन में से कोई एक होगा। उन्हें NXT में WWE परमानेंट नहीं रखेगी। लेकिन ये जो चीज है ना कि WWE ने तीनों शोज पर क्यों ला रही है, उसका बेसिक रीजन यही है कि WWE ये चाहती है कि इन्हें हम तीनों शोज पे इसलिए दिखाएं ताकि हर एक बंदा जाने हमने जेट कारगिल को अपनी कंपनी में साइन कर लिया है। यानी कि मान लो फॉर सपोज कोई अगर बंदा है जिसने रॉ स्मैकडाउन नहीं देखा, ठीक है, वो NXT देखता है, तो NXT में अगर बाजू से जेट दिख रहा है, तो WWE चाहते हैं कि हर एक बंदा इस बात से अवेयर हो कि जेट हमारी कंपनी के अंदर है। ओवरऑल एक जो हाइप कहते हैं ना बिल्ड करने का, जो ट्राई है वो भी फिलहाल कंपनी करने का ट्राई कर रही है, आई गेस वो कर भी लेगी। अब बस बाकी देखना ये होगा किसके साथ में जेट का पहला मैच होता है, जो कि एंटरिंग डेब्यू मैच होगा उनका। बाकी तुम लोगों का क्या ओपिनियन है कि तुम्हारे हिसाब से WWE की स्ट्रैटेजी काम कर रही है या फिर नहीं? बात हम लोग स्टिंग के बारे में भी करेंगे, बिकॉज रिसेंट हमें AEW डायनामाइट के शो से एक ऐसी वाली न्यूज है जो कि मुझे लगा शायद कवर कर लेनी चाहिए। ये स्टिंग के WWE करियर, AEW करियर दोनों के बारे में जुड़ी है, बिकॉज रिसेंट हमें स्टिंग आते हैं अपने WWE करियर एंड AEW दोनों के बारे में बेसिकली बात करते हैं, किस तरीके से उन्होंने 2015 के अंदर अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर डाली थी, लेकिन फिर से वापस आते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन तुम लोगों को बता दो कि स्टिंग ये बात अनाउंस करते हैं, अब अगले साल AEW रेवोल्यूशन जो कि साल 2024 का होगा, वो एक्चुअल में उनका फाइनल मैच होगा। और ये फाइनल मतलब फाइनल मैच ही होने वाला है, जैसे उन्होंने 2015 में कहा था कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, अब वो AEW में फिर से वापस आ गए। लेकिन नहीं, ये वाला जो मैच होने वाला है AEW रेवोल्यूशन 2024 के अंदर, ये उनका एग्जैक्ट फाइनल मैच होगा। इसके बाद ना वो WWE के अंदर कमबैक करेंगे, ना कहीं और जाके वो कंपीट या हमें रेसलिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये कुछ बात अभी फिलहाल कंफर्मेशन वाली आई है सामने, जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए कि स्टिंग भी अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं प्रोफेशनल रेसलिंग से। वैसे जहां तक मेरा फेवरेट मोमेंट है स्टिंग का, मैं AEW देखता तो नहीं हूं, लेकिन मुझे सर्वाइवर सीरीज वाला मोमेंट याद है जब जिगलर टीम सीना को रिप्रेजेंट कर रहे थे टीम अथॉरिटी के खिलाफ, आखिर में स्टिंग आते हैं जिगलर को जिताते हैं। भाई साहब, वो मोमेंट उस टाइम विटनेस करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कहते हैं ना एक अलग लेवल वाली फीलिंग, एक अलग लेवल वाली वाइब थी। एंड थैंक यू सो मच स्टिंग इतने कमाल के करियर के लिए। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं एंटरटेन करने के लिए फॉर श्योर हम सभी को, अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार रिकीशी के बारे में छुड़ी है। रिकीशी ऑफकोर्स जिमी जे ऊसो के जो पापा जी हैं, रिसेंट टाइम में उनके जो हरकतें हैं वो ऐसी लग रही कि शायद वो रोमन रेंस को कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं, या फिर शायद वो रोमन रेंस को एक नोटिस पोर्ट ओवर करना चाह रहे हैं, रोमन को एक्नॉलेज कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। होता क्या, जब WWE वाले यहाँ पर रिसेंट टाइम में हमने देखा कितना जाम हुआ जिमी जे ऊसो इन सभी के बीच में, तो रिकीशी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर बस आज से कुछ घंटे पहले एक पोस्ट डाली है, जिसका स्क्रीन शॉट तुम लोग देख पा रहे। और रिकीशी ने वी द वंस का जो लोगो है या फिर जो इमोजी है वो साथ में डाल रखा है विदाउट एनी कैप्शन। तो फैंस का यहाँ पर ये मानना है क्या वो रोमन को एक्नॉलेज कर रहे हैं डिस्पाइट जो उस जिमी उसो के बीच में अलग लड़ाई दंगे चल रहे हैं, या फिर वो समोअन फैमिली का दबदबा दिखाने का ट्राई करने की भैया समोअन फैमिली हर जगह रन कर रही है, मंडे नाइट रॉ में भी, स्मैकडाउन के अंदर भी। अभी फिलहाल क्या रिकीशी के इस वी द वंस का मतलब है, आगे से करते रहते पोस्ट बाय द वे, तो इसे तो ये लग रहा है भैया समोअन फैमिली का जो दबदबा कंपनी के अंदर चल रहा है उसे एक तरह का नोशन करने का ट्राई कर रहे रिकीशी। बाकी आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड्स में आगे रिकीशी को अपियर होना भी चाहिए, बिकॉज उनके बेटों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो क्यों ना रिकीशी खुद आके उस चीज़ को सॉल्व करे। तो एक अच्छा डायनेमिक भी ऐड हो सकता है ना कि अगर वो रोमन के साथ होंगे एक सेगमेंट के अंदर, वो जिमी जे के बीच में लड़ाई सुलटाते हुए नजर आएंगे। बाकी देखो क्या होता है, ये एक अजीब सा मैसेज टाइप है जो कि मुझे लगा रिकीशी की तरफ से तुम लोगों को बताना चाहिए। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है, जो कि WWE का अगला शो होने वाला क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद। देखो जिन लोगों को नहीं पता है, पहली बात है सर्वाइवर सीरीज की जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं। WWE अगर एक्स्ट्रा ओपन करती है, रीसेल करती है, वो डिफरेंट चीज होगी, लेकिन अभी फिलहाल सर्वाइवर सीरीज इज अ
सोल्ड आउट प्रीमियम लाइव इवेंट। और तुम लोग को ये बता दो कि WWE ने इस साल सर्वाइवर सीरीज के अंदर ना एक बहुत पुराना अपना रूल ब्रेक किया है, जो कि फैंस को बिलीव दिलाता है कि भाई WWE एक्चुअल में इस शो पे क्या कुछ ज्यादा स्पेशल करना चाह रही है। बिकॉज इस शो को स्पेशल ट्रीटमेंट ये मिला है कि बेसिकली मान लो कि एक शो पे भाई जो बंदे काम कर रहे हैं या फिर WWE के जो स्टाफ मेंबर्स हैं या फिर जो टैलेंट है, उनको WWE कॉम्प्लीमेंट्री टिकट देती थी कि मान लो आपके पेरेंट्स आना चाहते हैं, आपके फैमिली मेंबर आना चाहते हैं, कोई भी आना चाहता है, तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री टिकट आपको आगे की पीछे की कहीं भी मिल जाएगी, तो सर्वाइवर सीरीज को वो अटेंड कर सकते हैं। लेकिन इस साल सर्वाइवर सीरीज के अंदर ये बहुत बड़ी चीज है कि WWE ने कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स को मना कर दिया कि सर्वाइवर सीरीज में नहीं भाई, हर टिकट बिकने वाली है, किसी भी स्टाफ या किसी भी टैलेंट के मेंबर को या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री टिकट ऑफर नहीं करेंगे। और बताया जा रहा है बैक स्टेज के ऊपर जब बातें सुनने के लिए मिली तो बताया जा रहा है भाई बहुत दिन बाद ऐसा कुछ हुआ WWE के अंदर, यानी ये अनकॉमन होता है, वरना कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स मिली जाती हैं WWE रिलेटिव्स को, टैलेंट्स के जितने भी स्टाफ मेंबर्स आने होते हैं सबको बुला लेती है, लेकिन ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में होता है या फिर बहुत अनकॉमन चीज है कि WWE ऐसी चीजें कर रही है, सर्वाइवर सीरीज में स्पेशली कर रही है। तो बताया था कि सर्वाइवर सीरीज को कहीं ना कहीं तो हल्का सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन क्या अभी CM Punk की तैयारी को लेकर हो रहा है या फिर WWE को लगा कि नहीं भैया इस बार मोटी रकम छाप सकता हूं, क्यों ना छाप लूं, या फिर WWE चाहते भैया मैक्सिमम ऑडियंस और CM Punk को आके देखे, ये तो आने वाले टाइम के अंदर ही पता लगने वाला है। लेकिन ये कुछ अपडेट है तुम्हारे हिसाब से, इसका क्या मतलब हो सकता है जब WWE ने कॉम्प्लीमेंट्री टिकट एक तरह की बंद कर डाली है? ठीक है, जरूर बता देना अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो, अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। और मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।